सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, तो कैसे आप लोग और क्या बोलती है हमारी पब्लिक। तो गाइज, कार के हेडलाइट हो गए खराब हमारे फ्रेंड के, तो हम चले हैं खुल्लाबाद की ओर, क्योंकि वहाँ पे एक कोई मैजिक फार्मूला है किसी दुकान पर, तो वो 5 मिनट में उनके हेडलाइट साफ कर देंगे, मतलब नए जैसे बना देंगे। तो चलिए देखते हैं कि होता है क्या डायरेक्टली ऑन द स्पॉट। सो ये हमारी गाड़ी जिसके हमें हेडलाइट साफ करवाना है, जहाँ पे हमारी कार की पुरानी कांच क्या होगी, गाड़ी के साथ मैजिक होने वाला है। मैजिक होने वाला है क्योंकि हमारे हेडलाइट थोड़े से डल हो गए हैं, तो अभी हम लोग आपको बताएंगे बिफोर और आफ्टर कि जहाँ पे हमने वर्क किया इसका तो कैसे चेंजेस आया उसके अंदर में। तो देखो आगे कंटिन्यू करो। और हाँ, अगर आपकी भी गाड़ी के लाइट्स या क्या कहते हैं हेडलाइट्स डल है, खराब है, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं खुल्लाबाद में, एड्रेस डिस्क्रिप्शन। तो पहले पूरा वीडियो देख लो। तो ये भाई साहब यहाँ पे लगा रहे हैं हेडलाइट के ऊपर टेप, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो यूज़ करेंगे उसे स्प्रे करने के बाद इसके साइड में या कोई बम्पर पर उसके कलर ना निकल जाए। ये है वो स्प्रे, तो चलिए देखते हैं इसकी कलाकारी। ओहो, चमत्कार। ये देखो गाइस किस तरह ये स्प्रे मारने के बाद में पुराना हेडलाइट नया दिख रहा है, तो यही है वो मैजिक जो आपको हम बताना चाह रहे थे। तो देखो लग रहे हैं ना एकदम नए वाले हेडलाइट्स। तो देखा आप लोगों ने मैजिक, कैसा लगा मैजिक? तो भाई ये लोगों ने किया है वो मैजिक, साथ में हमारे चाचा। भाई कैसे कर रहे हो ये मैजिक? हमारी चाचा, हमारी 35 साल का मेहनत है इसमें, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद में हमको एक ऐसा एक अजूबा एक हाथ लगा है जो हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा। और वो एक जो सामने की हेड ग्लास है, अगर वो मार्केट में लेने जाए तो 10,000 से 15,000 के दरमियान आती है। हाँ। वो एक 500 में 1,000 रुपये में वो साफ होकर मिल रही है, तो और इससे और क्या खुशी हो सकती है सामने वाले गाड़ी के लिए, गाड़ी वालों के लिए। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि रात के समय जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये डल लाइट्स की वजह से बहुत मसले होते हैं। तो आपने ये जो चमत्कार किया है तो इसके लिए शुक्रिया। और आप लोग भी अगर करवाना चाहते हो तो कमेंट के अंदर बताइए, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका एड्रेस भी लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो चलिए मिलते हैं आगे, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।